बिहार विश्वविद्यालय के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक सहित कई होंगे गिरफ्तार। सिटी एसपी ने आयोग को दिया आदेश। बिहार विश्वविद्यालय अपने कार्य प्रणाली की वजह से लगातार चर्चा में बना हुआ है। लगातार सत्र पीछे और कई विवादों में रहने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के लिए बुरे दिन आ गए हैं। वर्ष 2016-17 में स्नातक पार्ट 2 छात्र छात्राओं को पास किए जाने के मामले में विश्वविद्यालय की अंतरिम जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मामला उजागर हुआ है। बता दें कि विश्वविद्यालय के 24 कॉलेजों में बड़ी संख्या में फेल को पास कर फेल हुआ था, जिसके बाद रिजल्ट में फर्जीवाड़ा के बाद विश्वविद्यालय की अंतरिम जांच टीम ने साक्ष्य के आधार पर ही सही पाते हुए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कर्नल अजय कुमार ने विश्वविद्यालय थाना में बीते 16 दिसंबर 2018 को इनके खिलाफ FIR दर्ज कराया था। दरअसल 2016 की स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा के बाद रिजल्ट में टेबुलेटिंग रजिस्ट्रार से टेम्परिंग कर नंबर को बदला गया था, जिसमें जो छात्र परीक्षा में अनुपस्थित थे उनको भी बेहतर अंक देकर पास किया गया था। वहीं टेबुलेटर के हस्ताक्षर के बगैर रिजल्ट प्रकाशित किया गया, जिसके बाद मामले में कार्रवाई का आदेश दिया गया। वहीं मामले में विश्वविद्यालय के अवैध क्लर्क अमित पांडे को लेकर कई प्रोफेसर कहते हैं कि जिस जिस छात्र छात्राओं का रोल नंबर लाकर दिया गया उसका ही सही चढ़ाया गया है। पूरे मामले पर सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि उनके द्वारा मामले की समीक्षा की गई है, जिसमें कुछ लोगों की संलिप्तता उजागर हुई है। सभी आरोपियों को अविलंब गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। कांड दर्ज किया गया था, संभवतः उस कांड जो है कि 44/19 था, जिसका जो है कि पर्यवेक्षण जो है कि DSP महोदय के द्वारा किया गया था और बड़ा विस्तृत पर्यवेक्षण किया गया है, जिसमें जो है कुछ लोगों की संलिप्तता जो है कि स्पष्ट रूप से उजागर हुई। उसमें मेरे स्तर से भी जो है कि समीक्षा कर जो है कि गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। एक अभियुक्त के द्वारा जो एलिबाई लिया गया, जिस पर जाँच किया जा रहा है, जाँच के उपरांत निर्णय लिया जाएगा। किन लोगों के तत्काल में सर गिरफ्तार करने और कुर्की जब्त करने के आदेश जारी की गई है? एक अभियुक्त को छोड़ के, संभवतः धर्मेंद्र कुमार हैं, उनको छोड़ के बाकी सारे लोगों को जो नामजद अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तारी का आदेश दिया गया। परीक्षा नियंत्रक तत्कालीन हो गए? हाँ, जो भी लोग हैं जिनका मैं, चूँकि ये पूरा का पूरा प्राथमिक ही जो वहाँ के रजिस्ट्रार के महोदय के द्वारा जो है कि अपना इंटरनल जो है कि जांच करने के पश्चात जो है कि किया गया है, और उसके साथ में जो है FIR के साथ साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी जो है कि उनके द्वारा पुलिस को मुहैया कराया गया है। तो उसमें पुलिस को बहुत सारा चीज़ों को करने की स्कोप में ऐसा नहीं है, क्योंकि पूर्णतः जाँच करने के बाद ही, जाँच के उपरांत जो है कि इनका दोषारोपण हुआ है, उसके बाद जो है कि ये आरोप लगाते हुए कांड को दर्ज किया गया। तो ऐसी परिस्थिति में कांड दर्ज करने के पश्चात पुलिस के द्वारा भी अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण किया गया, जिसमें उन सारी बातों की पुष्टि की गई है, तत्पश्चात जो है गिरफ्तारी का आदेश दिया गया। बिफोर प्रिंट के लिए मुजफ्फरपुर से अभय राज की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।